नमस्कार, culture.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन की बर्फी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें जो भी सामग्री पड़ती है वो घर में ही मिल जाती है। तो इस बार रक्षाबंधन पे आप बेसन की बर्फी बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं बेसन की बर्फी कैसे बनाते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप घी है, 1 कप चीनी है, ये 3-4 चम्मच दूध है। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है, 4-5 पिस्ते हमने बारीक बारीक काट के ले लिए हैं, 4-5 बादाम हमने बारीक काट के ले लिए हैं, ये कुछ 10-12 धागे हैं केसर के, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर है तो यूज कर सकते हैं, वरना इसे छोड़ दें। 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर है। तो हम मोहन थाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को किसी बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। बेसन में हम डालेंगे 3 चम्मच घी, 4 चम्मच दूध डाल देंगे हम इसमें, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें 3 चम्मच दूध पहले डाला था, 1 चम्मच दूध हम इसमें और डाल लेते हैं। बेसन को थोड़ा सा हाथों से इस तरह से रगड़ के बड़ी गुठलियां हम तोड़ देंगे। ये बेसन हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह की थोड़ी सी मोटी छलनी में हम इसे डाल के और छान लेंगे। इस तरह से गुलती को फोड़ते हुए हम सारी गुलतियों को फोड़ते हुए हम इस तरह से बेसन को छान लेंगे। तो ये सारा बेसन हमने छान लिया है, ये इस तरह से दानेदार बेसन तैयार हो गया है। अब इससे हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। अब हम किसी कढ़ाई में गैस ऑन करके घी डाल देते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ये बेसन डाल देंगे। बेसन को हमें मीडियम आंच पे एकदम हल्का ब्राउन और जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसे भूनना है। इसे भूनने में करीब 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। आंच हमें एकदम मध्यम रखनी है। बेसन को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, वरना ये नीचे लग के जल जाता है, बहुत जल्दी बेसन जल जाता है। ये बेसन भूनते हुए करीब 5-6 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अभी हम थोड़ी देर से और भूनेंगे, 1-2 मिनट और भूनेंगे। ये बेसन हमारा एकदम अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है, इसका कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम गैस बंद कर देते हैं। हम थोड़ी देर इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई बहुत गर्म है, बेसन नीचे से जल जाएगा। इसको उतार लेते हैं और हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम किसी दूसरी कढ़ाई ये चीनी डाल देंगे, 1 कप जो चीनी हमने ली है, और इतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे 1 कप। हमें चीनी की 2 तार की चाशनी बनानी है, तो पहले चीनी को घुल जाने देते हैं। ये चाशनी पकने में करीब 5 से 6 मिनट लग जाएगा। 5 मिनट बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये चाशनी पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे कि इसमें 2 तार आ रहे हैं कि नहीं। एक बूंद चाशनी हम हाथ पे लगा के देखते हैं। इसमें तार आने लगे, ये तैयार हो गई है। हम इसमें केसर डाल देंगे, केसर को हमने 1 चम्मच पानी में भिगा के रख लिया था। मिक्स कर देते हैं इसे, गैस हम बंद कर देंगे और ये चाशनी उठा के हम जो हमने बेसन भून के रखा था उसमें डाल देंगे सारी। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे।
जब तक ये एकदम जमनी जैसा ना हो जाए। ये बेसन में हम ये इलायची पाउडर भी मिला देंगे और इसको चलाते रहेंगे। तैयार हो गया, इसे हम जमाने के लिए एक प्लेट में घी लगा देते हैं। इस तरह की हमने एक प्लेट में घी लगा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इसको, बराबर कर देंगे इस तरह से इसमें। सब तरफ से एकदम बराबर कर देंगे। और जो हमने पिस्ते और बादाम काट के रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे हम। इसको भी हल्के से दबा देंगे, इसमें ये चिपक जाए। ये तैयार हो गई है। अब इसे हमें कम से कम 2 घंटे के लिए एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है, तब हम इसकी बर्फी काटेंगे। तो इसे हम रख देते हैं और इसे 2 घंटे बाद हम काटेंगे। ये हमारी बर्फी एकदम ठंडी हो गई है और जम गई है। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। चाकू से हम इसकी बराबर के चौकोर पीसेस काट लेंगे। सारी बर्फी हमने काट ली है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से एकदम अच्छी सी साफ और क्लीन बर्फी निकल आई। इसी तरह से सारी बर्फी हम निकाल लेंगे। हमारी बेसन की बर्फी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसे आप घर पे बनाइए और इसे आप आराम से 10-15 दिन रख के खा सकते हैं। ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। त्योहारों के मौसम में या फिर रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों को घर पे बनी हुई मिठाई खिलाइए, ये सभी को बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।